श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन चार राशि के जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव अगले 25 दिनों में आने वाले हैं और 25 दिनों में उनके रिश्ते तय हो सकते हैं, उसकी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी शुक्र के राशि परिवर्तन के आधार पर निर्धारित है। इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त करने हेतु जो है जानकारी दी जा रही है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपकी चंद्र राशि में से एक राशि है तो आपके घर पर मेहमान आ सकते हैं। उसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी की चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना, ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। वहीं आपको बता दें कि अगर आपको अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपना जन्मदिन कमेंट करें। हालांकि अगर आपके 25 वर्ष से कम है तो आपको जन्मदिन से जानकारी दी जाएगी। अगर 25 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा ले। हो सकता है कि कुंडली में किसी न किसी प्रकार का कोई दोष लगा है या फिर कुछ ग्रह राशि परिवर्तन इस आधार पर है कि इस वर्ष आपके या पिछले वर्षों में आपकी शादी नहीं हो पाई है और आने वाले समय में भी आपको इंतजार न करना पड़ जाए। आप एक बार आप अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें। अगर आप केपी की वाणी से कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, उसकी जानकारी मैं संक्षेप में देना चाहूंगा कि अब तक आपने किसी प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली होगी, आपने हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों से सलाह ली होगी, फेस रीडिंग यानी कि चेहरे को पढ़ने वाले ज्योतिष से सलाह ली होगी, कई अंतर्यामी जो है तंत्र विद्या सीखने वाले उनसे भी सलाह ली होगी, तो उन्होंने आपको यह जानकारी दी होगी कि आगामी वर्ष में शादी हो जाएगी या इतने इतने वर्षों में शादी हो जाएगी। कई जातकों के लिए लाभप्रद भी हुआ, कई जातकों के लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण केपी की वाणी से कराते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होगा यह मैं आपको बता दूं। तो आपको न केवल यह जानकारी ज्ञात होगी कि आपकी शादी कब होगी, बल्कि किस वर्ष होगी और किस महीने में होगी, किस दिन होगी और किस दिन नहीं करनी चाहिए, दिशा कौन सी होगी, दूरी कितनी होगी, नाम अक्षर उस लड़के का क्या होगा या उस वधु का क्या होगा, इसके अलावा उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, संतान कितनी होंगी, उसके अलावा करियर कैसा होगा, रोजगार कैसा होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, इसके अलावा महादशा अंतरदशा, ससुराल में सुख के योग हैं, ससुराल कारोबारी होगा या फिर आपके जो जीवन साथी हैं वो रोजगार करने वाला होगा या आगे चल के रोजगार करेगा, उसका भाग्योदय कब होगा, आपको किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए, आपका चरित्र कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके अलावा आपको किन किन रोगों से खतरा हो सकता है, क्या क्या लापरवाही आपको जीवन में नहीं बरतनी है। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं और इन दोनों माध्यम से किसी एक माध्यम के चयन से ही आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लिखित में आपको सारी चीजें लिखित प्रमाणित मिल जाएंगी और अगर आप टेलीफोनिक सर्विस लेते हैं तो आपको फोन के जरिए जानकारी दी जाएगी। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए, स्क्रीन पर भी दिए गए और मैं बता भी देता हूँ 8521835670। हिंदी भाषियों के लिए मैं बता दूं 8521835670। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी विवाह के योग बन रहे हैं या उन्होंने अपने विवाह हेतु वर या वधु देख लिया है और उनके विवाह प्रस्ताव तय हो रहे हैं तो आपको मैं बता दूंगा कि आप स्थानीय ज्योतिष पंडित से सलाह लेकर कुंडली मिलान करा लें और कुंडली मिलान के पश्चात यह जानकारी ज्ञात कर लें कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं लग रहा है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पता है आपको कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, भगवान शिव को समर्पित होता है सावन का महीना और सावन के महीने में शिव जी की पूजा की जाती है और सावन में ही जातक के जो मनोरथ है यानी कि उनकी मनोकामना है पूर्ण होती है। तो सावन का महीना जुलाई में आने वाला है और जुलाई महीने से लेकर जो है कार्तिक महीने तक चतुर्मास लगता है और इस दौरान
चार महीने तक 16 सोमवारी का व्रत रखा जाता है। 16 सोमवारी का व्रत जो रखा जाता है उससे जो है आपकी जो भी मनोकामना है बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूर्ण हो। तो यह जो व्रत है उसका पहला जो यानी पहला सोमवारी हो 22 जुलाई को पड़ रहा है। जो भी जातक नोट करना चाहते हैं वो नोट कर ले, 22 जुलाई से 19 अगस्त तक जो है सावन सोमवार व्रत पड़ रहा है। और इसके बाद जो है आप अगर 16 सोमवारी का व्रत रख रहे हैं तो फिर आप कार्तिक पूर्णिमा तक जो है सोमवारी का व्रत रख सकती हैं या रख सकते हैं। तो भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं तो कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, चंद्र मजबूत होता है। इसके अलावा अशुभ ग्रह के जो प्रभाव होते हैं वो तो खत्म ही हो जाते हैं, लेकिन शुक्र जो है सुखों का कारक है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, रोमांस, विवाह, इन सभी का कारक जो होता है वो शुक्र है। आपको जो भी सुख सुविधाएं जीवन में मिल रही है वो सब शुक्र ही आपको दे रहे हैं। अगर कोई जातक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो शुक्र के चलते ही सामान्य व्यक्ति जीवन व्यतीत करे। अगर कोई व्यक्ति या जातक अपने जीवन में सभी प्रकार की सुविधाओं का आनंद उठा रहे तो उस आनंद उठाने का कारक शुक्रदेव है। तो जब शुक्रदेव मजबूत होते हैं तो विवाह के भी योग बनते हैं। और शुक्र का मजबूत रहना जातक के लिए बहुत जरूरी है। कई अवसर पर राहु और केतु के गोचर से भी विवाह के योग बनते हैं। वहीं लड़कियों के लिए विवाह के जो योग बनाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति है, जो देवताओं के गुरु। तो वर्तमान समय में गुरु जो है वृषभ राशि में विराजमान है और शुक्रदेव जो है वर्तमान समय में वृषभ राशि में विराजमान है। और चंद दिनों में बुधवार को जो है शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 25 दिनों तक लगभग मिथुन राशि में रहेंगे। आने वाले समय में सूर्य देव भी जो है वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। जब मिथुन राशि में सूर्य का गोचर होगा तो फिर मिथुन संक्रांति मनाई जाएगी। और ज्योतिषों का यह भी कहना है कि मिथुन राशि में सूर्य के भ्रमण के दौरान जो है विवाह करना चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में शुक्र अस्त है, इसके चलते विवाह के योग नहीं बन रहे, लेकिन 2 जुलाई के पश्चात जो है 15 जुलाई तक विवाह के मुहूर्त है। आप किसी भी क्षेत्र से आप निवासी हैं किसी भी क्षेत्र के तो आपको बता दें कि चतुर्मास से पूर्व जो है विवाह के योग रहते हैं। कई अवसर पर चतुर्मास के दौरान भी विवाह किए जाते हैं। अगर कोई विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है जीवन में और तत्क्षण आपको विवाह करना ही पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में चतुर्मास में विवाह के योग होते हैं। महाराष्ट्र में कृष्णाष्टमी के दिन भी जो है विवाह कार्यक्रम संपन्न होते हैं। पंजाब क्षेत्र में जो है नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों में जो है विवाह कार्य संपन्न होते हैं। तो सभी जगह अलग अलग नियम रीति रिवाज हैं, लेकिन चतुर्मास में विवाह ना करने की ही सलाह दी जाती है। खासकर उत्तर भारत में तो चतुर्मास के दौरान विवाह नहीं कराया जाता है। तो शुक्रदेव जो है वो 24 दिनों के लिए जो है गोचर करेंगे मिथुन राशि में। कुछ इस प्रकार से शुक्र के गोचर की स्थिति है। शुक्रदेव 12 जून को जो है प्रातः काल जो है वो 4:31 पर जो है शुक्र जो है वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र में गोचर करने के दौरान जो है शुक्रदेव की कृपा 2 राशि के जातकों पर पड़ेगी और इसके अलावा जो है अन्य राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा शुक्रदेव के गोचर से। लेकिन 2 राशि के जातकों के लिए विवाह की योग बनाएंगे शुक्रदेव और उन 25 दिनों में आपके लिए कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है और आपके परिणय सूत्र में बदलने के भी योग बन सकते हैं, लगाई के भी कार्यक्रम हो सकते हैं और अगले महीने में जो है सहनाई भी बच सकती है। तो शुक्रदेव का कुछ गोचर इस तरह से रहेगा कि 24 दिनों में जो शुक्रदेव 12 जून को तो प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, फिर अदरा नक्षत्र में 18 जून को और फिर 28 जून को पूर्वा पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फिर 7 जुलाई को जो है ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि से फिर ये 9 जुलाई को जो है पुष्य नक्षत्र में और फिर 20 जुलाई को ये नक्षत्र में करेंगे अश्लेषा नक्षत्र में। तो 7 जून कर्क राशि के जातकों में जो है 7 जुलाई को गोचर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से 2 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा जो धनु राशि के जातक हैं और मकर राशि के जातक। तो शुक्र का जो गोचर है मिथुन राशि में और कर्क राशि में होने से धनु और मकर के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो ये चूंकि विवाह भाव को देखेंगे तो इसके लिए इन दोनों राशि के जातकों के लिए योग बनेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शुक्र जो है वृषभ राशि में उनके स्वामी है, तुला राशि के स्वामी है और मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो अगर हम वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो यह साल बहुत शुभ रहने वाला है क्योंकि इस वर्ष जो है गुरु का भी गोचर वृषभ राशि में हुआ है। तो वृषभ राशि में जातकों के लिए जो है शुभ फल प्राप्त होने वाला है। तो ये जो 4 राशियां है वो धनु राशि के जातक है, मकर राशि के जातक है, मीन राशि में तो उच्च के होते हैं। वर्तमान समय मीन राशि में राहु का भी गोचर हो रखा है तो मीन राशि के भी जातक है, मकर राशि के जातक है तो शामिल है ही, वृषभ और तुला राशि के भी जातक शामिल। तो कुल मिलाकर कहे तो 4 राशि के जातकों के लिए फल प्राप्त होने वाला है।
वृषभ राशि और तुला राशि के जातकों में, धनु और मकर राशि के जातक और मीन राशि के जातक। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अगर आपकी राशि धनु है तो आपके लिए शुभ योग है, वर्तमान समय में जो आपके लिए विवाह रिश्ता आ सकता है और आपके रिश्ते तय होने के योग हैं। अगले महीने में आपकी सहनाई बजने के प्रबल योग हैं। शुक्र के गोचर से प्रकार के योग बन रहे हैं। किसी कारणवश अगर आगामी माह में विवाह के योग नहीं बनते हैं तो आप निश्चिंत रहें, नवंबर के महीने में आपके लिए 100% का योग बन रहा है। बात करें दिशा के तो उत्तर और पूर्व दिशा आपके लिए शुभ है। इन दोनों दिशाओं में आपके लिए विवाह प्रस्ताव हेतु गमन कर सकते हैं, गोचर कर सकते हैं और इन दिशाओं से ही विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, आर नाम के जातक, टी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बनने के योग बन रहे हैं। आगामी जो राशि है वो मकर राशि है। मकर राशि के लिए जातकों के लिए समय शुभ रहने वाला है क्योंकि शुक्र के गोचर से मकर राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। जब शुक्र का गोचर कर्क राशि में होगा, शुक्र के वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करने से धनु राशि और फिर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करने से मकर राशि के जातकों के शुभ योग बनेगा। कुल मिलाकर कहें मकर राशि के जातकों के लिए अब समय बेहद शुभ रहने वाला है क्योंकि आने वाले समय में आपको 7:30 से भी मुक्ति मिलेगी और जब एक बार शनि मार्गी हो जाएंगे, शनि वक्री वर्तमान समय में होने वाले हैं और जब शनि मार्गी से लेकर 7:30 के अंत तक जब समय रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए तो उस दौरान शनिदेव का सुप्रभाव आप पर अवश्य पड़ेगा। जैसा जो आपकी बात करे तो वो पश्चिम का है। जून के महीने में आपके सगाई के योग है और अगर जुलाई में विवाह नहीं होता है तो आपके आगामी वर्ष में जो है जनवरी के महीने में फिर विवाह के प्रबल योग बनेंगे। बात करें नाम अक्षर की तो कर्क राशि के जातकों के आपके लिए बेहद शुभ है। वृषभ राशि के जातक भी आपके लिए बेहद शुभ है। इस राशियों के जातकों से अगर विवाह आपका हो तो ज्यादा उत्तम होगा क्योंकि इन राशि के जातकों से ही आपकी परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। बात करें मीन राशि के जातक, चूंकि शुक्र इनमें मीन में हो चुके होते हैं तो हमेशा ही शुभ फल देते हैं, तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समय है। अभी वर्तमान समय में 7:30 का प्रथम चरण चल रहा है तो आपको जीवन में परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसी परिस्थिति भी पैदा हुई जिससे आपके देश दिन और दुनिया बदल गई है, लेकिन आप निश्चिंत रहे, भगवान श्री कृष्ण जो है बड़े दयालु हैं और बड़े कृपालु हैं, उनकी कृपा दृष्टि आप पर अवश्य बरसेगी और जो विधि विधान के अनुरूप चल रहा है उसको आप साक्षी मानकर जीवन में आगे बढ़िए। तो आपके लिए उत्तर और पूर्व दिशा ही है। शीघ्र विवाह के लिए जो है आप भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें। बात करें नाम अक्षर की तो आपको बता दी, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातकों में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बनने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि विवाह अगर मेष राशि से हो तो ज्यादा उत्तम होगा। चौथी जो राशि हो वृषभ राशि और तुला राशि में से कोई एक राशि के जातक है, दोनों राशि के जातकों पर शुक्रदेव की विशेष कृपा बरसती है और अगर दोनों में से किसी एक राशि के जातक की कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है तो उनके लिए शुभ योग है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपका नाम अक्षर आर से होता है और आपके लिए जो दिशा है वो दक्षिण की दिशा है और वर्तमान समय में जो है आपके लिए शुभ समय ही चल रहा है। किसी प्रकार का कोई दोष कुंडली में अभी नहीं लगा है, कोई अशुभ ग्रहों का गोचर आपकी राशि में नहीं हुआ है, इसके लिए चलते जो है तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग है और आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं और जून महीने में आपके रिश्ते भी तय। वहीं वृषभ राशि भी इस लिस्ट में शामिल है। वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्तमान वर्ष ही शुभ है क्योंकि शुक्र का गोचर हुआ है वर्तमान में और फिर गुरु का भी गोचर हो रखा है, गुरु का गोचर आगामी वर्ष तक रहेंगे तो वृषभ राशि के जातक के लिए बेहद शुभ समय है। और वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आपकी आयु 23 से लेकर 29 वर्ष के मध्य है तो समय शुभ है। बात करें महीनों की तो महीना तो आपके लिए जुलाई का महीना शुभ ही शुभ है और जुलाई के महीने में जिन जातकों के विवाह के योग नहीं बनेंगे उनके जनवरी से फिर अप्रैल के मध्य शादी होने के 100% योग। करना क्या है आपको तो भगवान हनुमान जी आपके जो है वो आराध्य है तो उनकी पूजा उपासना आराधना अवश्य करें और अगर आपकी उनकी पूजा उपासना आराधना करते हैं तो आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त हो। बात करें नाम अक्षर की तो टी नाम के जातक, एस नाम के जातक, पी नाम के जातक। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दी। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।